नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं उत्कर्ष मिश्रा, आपका पॉलिटिकल साइंस का टीचर। आज हम चैप्टर सेकंड फर्स्ट बुक से एक टॉपिक करने जा रहे हैं और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट डिज़ाइन, यानी साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। इसी के बारे में हम पढ़ने वाले। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि आखिरकार ये शॉक थेरेपी होता क्या है। इस वीडियो को मैं स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने इसे पिछली वाली वीडियोस आपने नहीं देखी चैप्टर टू की, तो आप ज़रूर जाके प्लेलिस्ट चेक करिए। प्लेलिस्ट में पुरानी वीडियोस हैं, आप जाके ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल ये उठता है शॉक थेरेपी क्या है, यानी शॉक थेरेपी वो है क्या। देखो, शॉक थेरेपी समझने से पहले आप ये समझिए कि सत्तावादी यानी एन अथॉरिटेरियन, यानी समाजवादी, सोशलिस्ट, लोकतंत्र और पूंजीवाद। लोकतंत्र आप डेमोक्रेसी जैसे, डेमोक्रेसी आप जानते हो, पूंजीवाद जानते हो, समाजवादी जानते हो, सत्तावादी भी जानते हो, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ, याद दिला देता हूँ। देखो, सत्तावादी यूँ समझिए कि जैसे मान लो हमारा USSR था, USSR में बस केवल मात्र एक ही पार्टी जो राज कर रही थी वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, तो वो धीरे धीरे क्या हो गई थी, सत्तावादी हो गई थी। सत्तावादी इन द सेंस कि मतलब बार बार वही सरकार गवर्नमेंट आ रही थी। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि बार बार वो गवर्नमेंट नहीं आती, जैसे कि आप देख सकते हो कि आज किसी, मतलब 5 साल बाद किसी और की सरकार है, अगर उसने अच्छे काम किए हैं तो 5 साल बाद दोबारा उसी की सरकार, मान लो अगली उस बार भी काम किया तो तिबारा उसकी बार, लेकिन 3 सालों के बाद उसको कहीं ना कहीं उस पार्टी को ये लगने लगेगा कि भाई हम तो बार बार जीत के आ रहे, तो अब हम लोगों के लिए काम नहीं करेंगे, तो उन्होंने काम नहीं किया, नेक्स्ट ईयर अगर चुनाव होंगे तो वो लोग हार जाएंगे। मतलब यहाँ चांसेस रहते हैं कि नेक्स्ट कोई चेंज होके आ सकता है, लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं रहता, जो फिक्स है वही फिक्स रहता है, मतलब आने वाले 50 सालों तक वही की वही पार्टी रहेगी। लेकिन यहाँ क्या रहता है, हर 5 साल के बाद चांस रहता है कि हो सकता है कि दूसरी पार्टी आ जाए, ये होता है फर्क। देखो, समाजवादी और सोशलिस्ट, पूंजीवाद समाजवादी जहाँ लोग समाज का हो, पूंजीवाद जहाँ पे कैपिटलिस्ट हो, जहाँ पे मतलब लोग निजीकरण किया जाए चीज़ों को, तो यही क्या थी जो समाज सत्तावादी से लोकतंत्र में, समाजवादी से पूंजीवाद में इसको कन्वर्ट किया गया, इसी को कन्वर्ट किया गया, यही जो पेनफुल प्रोसेस है, यानी सत्तावादी से लोकतंत्र में, समाजवादी से पूंजीवाद में कन्वर्ट किया गया, और जो कन्वर्ट करने का जो तरीका है बहुत ही ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस है, इसी को ही हम शॉक थेरेपी कहते हैं। देखिए हुआ क्या, रशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट यूरोपिया, ईस्ट यूरोप यानी पूर्वी यूरोप, रूस, मध्य एशिया, पूर्वी, यहाँ पे भी यही चेंजेस हुआ। इन लोगों ने जो चेंज करने का तरीका अपनाया वो एक तरीके से एक न्यू मॉडल था, एक डिफरेंट टाइप का मॉडल था, इसी को ही वर्ल्ड बैंक और IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसी को ही शॉक थेरेपी उन्होंने कहा। मतलब जो ये चेंज हो रहा है, जो इन्होंने चेंज किया है, इसी को ही हमने शॉक थेरेपी कहा। और ये जो शॉक थेरेपी है बहुत ही ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पेनफुल प्रोसेस इस वजह से क्योंकि यहाँ की जो चीज़ है उसको पूरी तरीके से कन्वर्ट करना रहता है, इस वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस है। इसको वर्ल्ड बैंक और IMF ने इसका नाम दिया कि भाई चोट पहुँचाकर उपचार करना, पहले आप किसी पर्सन को अच्छे से मतलब कुटाई कर दो, अच्छे से पीट पाट दो, फिर आप डॉक्टर बन के उसकी मरहम पट्टी करो, ये वर्ल्ड बैंक और IMF ने कहा था। देखो, जो शॉक थेरेपी किया गया था उसके अलग अलग जो उसकी स्पीड है, कहीं बहुत ज़्यादा थी, कहीं बहुत कम थी, यानी डिफरेंट था, कहीं मतलब बहुत तेज़ी से किया जा रहा था, कहीं जो प्रोसेस करने का तरीका था धीरे धीरे था, लेकिन जो सबका तरीका था वो तरीका क्या था, सबका सेम था, यानी जो पूरी प्रोसेस थी, प्रोसेस करने का तरीका सेम था, लेकिन कहीं बहुत ज़्यादा जल्दी से कर दिया गया और कहीं धीरे धीरे किया गया। देखिए हुआ क्या था, जो USSR यानी जो सोवियत संघ है, वहाँ का जो स्ट्रक्चर था उसको पूरी तरीके से ख़त्म करना था, मतलब USSR में जो जो चीज़ें थी, जो उसका स्ट्रक्चर था उसे पूरी तरीके से ख़त्म करके कैपिटलिज्म, यानी उसके कैपिटलिज्म, मैंने शॉर्ट में लिखा है
कैपिटलिज्म की तरफ मूव करना था, यानी पूंजीवाद की तरफ बढ़ना था। यहाँ पे हुआ क्या, ये आखिर किया कैसे गया? यहाँ पे जितने भी स्टेट एसेट्स है, यानी जो राज्य की संपदा होती है, जो राज्य की संपदा थी, उसको क्या किया गया, प्राइवेट, यानी प्राइवेट निजीकरण किया गया, उसको प्राइवेट में, प्राइवेट ऑनरशिप में क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल ये समझिए, जैसे इंडिया में देख सकते हो रेलवे है, रेलवे क्या है, केवल कहीं ना कहीं हमारा देख सकते हो ये गवर्नमेंट का है, इसमें प्राइवेटाइजेशन का कहीं मतलब प्राइवेट का, प्राइवेट कोई अलग से रेल नहीं चलती। आप फ्लाइटों में देख सकते हो कि फ्लाइटों में अलग अलग से स्पाइस हो गया, ये अलग अलग मतलब जो भी है वो क्या होता है, प्राइवेट है एरोप्लेन में, लेकिन आप रेलवे में क्या प्राइवेट देख सकते हो? नहीं, रेलवे में सारी जो रेलवे होती है लिखा रहता है भारतीय रेल होता है, मतलब कि गवर्नमेंट उसे रन करती है। अब मान लो उसी जो भारतीय रेल है उसमें हम मान लो किसी बड़ी कंपनी ने उसको खरीद लिया और उसने अपना अलग से ही मतलब रेल रोल उन्होंने बना दिया और उसका नाम रख दिया, जैसे स्पाइस रेल रख दिया, या फिर मुकेश अंबानी ने खरीद के उसका कुछ भी नाम रख दिया, तो क्या हो जाएगा, निजीकरण हो जाएगा। लेकिन भारत में क्या है, जो रेल है वो निजीकरण नहीं है, वो किसका है, केवल गवर्नमेंट का ही है। अगर गवर्नमेंट से हमने कुछ प्राइवेट वालों को कह दिया कि भाई आप भी आके रेलवे में कुछ इन्वेस्ट करो, आप भी अपने रेल चलाओ, ताकि यहाँ की जो फैकल्टी, जो सुविधाएं, जो फैसिलिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे हो पाए, तो उसे हम कहेंगे भाई निजीकरण। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि निजीकरण होता क्या है। कहने का मतलब है कि जो भी स्ट्रक्चर था उसको पूरी तरीके से ख़त्म करना था, जो स्टेट के एसेट्स थे यानी जो भी गवर्नमेंट की चीज़ें थी उसको प्राइवेट के हाथों बेच देना था, यानी प्राइवेट के हाथों में दे देना था। यहाँ पे जो कलेक्टिव फार्मिंग होती थी, सामूहिक कृषि, यानी कई लोग मिलकर सामूहिक कृषि कर रहे हैं, उसको चेंज किया गया कहाँ पे, प्राइवेट फार्मिंग। प्राइवेट फार्मिंग का मेन मोटिव होता है कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर, यानी प्राइवेट फार्मिंग का मेन मकसद होता है कि आप जो फार्मिंग करो उसको खाने के लिए नहीं करना, उसको आपको करना है पैसे कमाने के लिए करना है। यानी आपको जो एग्रीकल्चर होगा वो जस्ट बिकॉज इस वजह से किया जाएगा कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग आप कर सको, यानी क्या था, कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर आ गया। वहाँ पे ये माना गया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेड है, ट्रेड जितना ज़्यादा होगा यानी व्यापार जितना ज़्यादा होगा, डेवलपमेंट उतना ज़्यादा होगा। इस वजह से वहाँ पे फ्री ट्रेड की नीति अपनाएगी, फ्री ट्रेड की वहाँ पे पॉलिसी, यानी मुक्त व्यापार की उन्होंने पॉलिसी अपनाई, मतलब लेन देन में ज़्यादा रुकावटें नहीं होंगी, फ्री ट्रेड में ये सब आता है। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, फ्री ट्रेड पॉलिसी अपनाया, फाइनेंशियल ओपनिंग यानी वित्तीय खुलापन अपनाया, करेंसी कन्वर्टेबिलिटी यानी आप मुद्रा का एक्सचेंज कर सकते हो, मतलब कुछ मिला के उन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं। और कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ जाके चेक करिए, इसकी नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिए, नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सारी वीडियो, हर एक टॉपिक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में क्या कब कहाँ और कैसे आ जाए कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो आप अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको वीडियो देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस में क्या होता है, शॉर्ट वीडियो में सही नहीं हो पाता, शॉर्ट ही जानकारी मिलती है और शॉर्ट चीज़ें हमेशा शॉर्टकट होता है, हर बार सही नहीं होता। आप अगर आपको 90+ मार्क्स स्कोर करने हैं या फिर आपको 80 तो चाहिए, मान लो अगर 80 मार्क्स चाहिए कम से कम, 80, 81, 82, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हर एक वीडियो का लेक्चर पूरी तरीके से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हर एक टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं, बाय बाय। वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। बाय।